दोस्तों सुबह जल्दी उठने को ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी कहते हैं। अब देखिए सुबह जल्दी सोकर उठना बेहद फायदेमंद माना जाता है। इससे आपकी सेहत को तो कई फायदे होते ही हैं, साथ ही आपकी सक्रियता और सतर्कता भी बढ़ती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा और 36 मिनट पहले शुरू होता है। अगर आप इसको समय के हिसाब से देखें तो समय के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 या फिर 6 बजे तक कभी भी इसके बीच में हो सकता है, जब आप मुनासिब समझे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठना। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष मौजूद होते हैं। देखिए ये दोष दिन के अलग अलग समय में सक्रिय रहते हैं। दिन की शुरुआत में कफ दोष, दिन के मध्य में पित्त दोष और रात में वात दोष सक्रिय रहता है। वात दोष को गति से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सांस लेने, ब्लड फ्लो और उत्सर्जन जैसे शारीरिक कार्यों के साथ साथ मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जब वात संतुलित होता है तो व्यक्ति खुद को एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस करता है। देखिए ऐसे में दिन की शुरुआत ऐसे समय पर करने की सलाह दी जाती है जब वात प्रबल हो। अब आप ये जानिए कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी दोनों नासिकाएं बहुत सक्रिय होती है। ऐसे में इस समय आप बेहतर सांस ले पाते हैं जिससे आपकी सेहत बेहतर रहती है, और इसीलिए सलाह दी जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप व्यायाम जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग सक्रिय होता है और आपकी इंद्रियां यानी कि सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं।